नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कई बार लोग अपने पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट को रखना पसंद करते हैं, जिसके तहत लोग अपने अलग अलग अकाउंट में पैसा जमा रखते हैं और सभी अकाउंट को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब एक से ज्यादा अकाउंट रखने वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आपको नुकसान हो ही रहा होगा, लेकिन अफसोस आपको इसका पता नहीं चल पाएगा। इस मुद्दे पर टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की राय भी कुछ ऐसी ही है। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की माने तो सिंगल बैंक अकाउंट होने के बहुत फायदे हैं, जिसमें रिटर्न फाइल करना आसान होना शामिल है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर किसी ग्राहक के कई बैंक अकाउंट है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मेंटेनेंस को लेकर है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि हर बैंक का अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज है। इतना ही नहीं, हर बैंक का डेबिट कार्ड चार्ज, SMS चार्ज, सर्विस चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज अलग अलग ही होता है। जितने बैंकों में अकाउंट होंगे, हर बैंक को इस तरह के तमाम चार्जेस चुकाने होंगे, जिसका यकीनन कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान जरूर है। ऐसे में अगर ग्राहक हर अकाउंट से मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके बदले बैंक तगड़ा चार्ज वसूलती है। ऐसे में गैर जरूरी बैंक अकाउंट को एक्सपर्ट्स ने बंद करने की सलाह दी है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि सिंगल बैंक अकाउंट के बहुत से फायदे हैं। इससे रिटर्न फाइल करना तो आसान होता ही है, साथ ही आपकी कमाई की पूरी जानकारी सिंगल अकाउंट में होती है। अलग अलग बैंक अकाउंट रहने से यह कैलकुलेशन जटिल हो जाता है। इससे टोटल इनकम का ही कैलकुलेशन गलत हो सकता है, जिसके कारण आपके दरवाजे पर टैक्स विभाग नोटिस जारी कर सकता है। ऐसी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बजट में एक नए सिस्टम की घोषणा की है, जिसके तहत अब सैलरी इनकम के अलावा दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम, जैसे डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम की जानकारी पहले से भरनी होगी। अब तक टैक्सपेयर को इसका अलग से कैलकुलेशन करना होता था। इससे कई बार भूल जाने के कारण ही उसे परेशानी भी होती थी, लेकिन अब यह सभी जानकारी पैन कार्ड की मदद से हासिल की जा सकेगी। इसके साथ ही एक्सपर्ट ने यह भी साफ कहा है कि अगर किसी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में एक साल तक किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो वो इनएक्टिव बैंक अकाउंट में बदल जाता है। दो साल तक ट्रांजैक्शन नहीं होने पर वो डोरमेंट अकाउंट या इनऑपरेटिव में बदल जाता है। ऐसे बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड की संभावना बढ़ जाती है। बैंकर्स का कहना है कि इनएक्टिव अकाउंट के साथ इंटरनल फ्रॉड के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे में इसका डिटेल सेपुराते लेजर में रखा जाता है। इसके साथ ही एक साथ अनेक बैंक अकाउंट रखने वाले को बता दें कि अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो बैंक आपके बेवजह वसूली ना करे, इसको लेकर के आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर असर होगा, क्योंकि जिस 1,000 रुपए को आप कम से कम 7-8% का रिटर्न ले सकते हैं, वो पैसा आपका मिनिमम बैलेंस के रूप में रखा रहेगा। हालांकि ये अलग बात है कि आपको मिनिमम बैलेंस पर भी इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन यह अधिकतम सिर्फ 3-4% तक ही होगा। इसी पैसे को सही जगह निवेश करने पर 7-8% आपको आसानी से रिटर्न मिलेगा। इसलिए एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि सभी ग्राहक अपने पैसों को सही जगह पर निवेश करें, ताकि आसानी से उन्हें 7-8% तक का रिटर्न मिल सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।